वेलकम टू वीडियो खजाना। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, जो है पिज्जा टॉपिंग्स की रेसिपी, जिसे हम पिज्जा बेस के लिए सॉस भी बोलते हैं, पिज्जा सॉस। ये रेसिपी हमारे पिज्जा को बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, जिससे हमारा पिज्जा बहुत यमी हो जाता है। मार्केट में भी अवेलेबल है पिज्जा सॉस, लेकिन हम जब इसे घर पे बनाएंगे तो आपको इसका अलग ही टेस्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट और बहुत ही यमी बनने वाला है। पिज्ज़ा हम सब लोगों का फेवरेट होता है और ये सॉसेस इस पिज्ज़ा की जान होते हैं। अगर सॉसेस हम लगाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आज मैं आपको एक डिलीशियस पिज्ज़ा टॉपिंग रेसिपी बताने वाली हूँ, जो आपके पिज्ज़ा बेस के ऊपर आप अप्लाई करेंगे और आपका पिज्ज़ा इससे बहुत टेस्टी और डिलीशियस बन जाएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को एक पिज्ज़ा टॉपिंग्स रेसिपी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले से लगा के रखा है। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, जो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों को पिज्ज़ा सॉस के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए, पर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी और रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं जो फ्रेग्रेंस फ्री हो। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। ये हैं बेजिल लीव्स, जिनको तुलसी भी कहते हैं। मैंने फ्रेश बेजिल लीव्स लिया है। आप चाहें तो मार्केट से इसका एक पैकेट भी आता है सूखी ड्राई लीव्स का, बेजिल लीव्स का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश लिया है, 10 से 15 लीव्स मैंने यहाँ पे ली हैं। नहीं, 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए हमें, 1 टीस्पून शुगर चाहिए, 1 टीस्पून हमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ ली है, ताकि सॉस का कलर रेड रहे, अच्छा कलर आएगा कश्मीरी लाल मिर्च से। अदरवाइज आप दूसरी मिर्च भी ले सकते हैं, ये तीखी भी नहीं होती और कलर भी अच्छा देती है। ये 1/2 टीस्पून मैंने ऑरेगानो लिया है, 1/2 टीस्पून ऑरेगानो काफी होता है। टमेटो सॉस मैंने 2 टेबलस्पून टमेटो सॉस लिया है, 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स, लहसुन की कलियां, 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है मैंने। और ये है एक छोटा प्याज है, जो मैंने चॉप करके रखा है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए, और मेन इंग्रेडिएंट इसका है टोमेटो। ये 250 ग्राम टोमेटोज मैंने लिए हैं। टोमेटोज आप जितना सॉस आपको बेसिस के लिए चाहिए, मैं उतना ही बनाना चाहती हूँ कि सॉस सेम टाइम पे ख़त्म हो जाए। मैं स्टोर करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रेश बने और फ्रेश यूज़ करें वो ज़्यादा बेस्ट है हमारी हेल्थ के लिए। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम टोमेटोज लिए हैं, लगभग 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज होंगे। और हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस बनेगा वो लगभग 5 to 6 बेसिस के लिए काफ़ी होगा, 6 बेसिस के लिए काफ़ी होगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिया है। आपको अगर ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी टोमेटोज की डबल कर देंगे और बाकी चीज़ों की भी हम डबल कर देंगे। तो हमें 5 to 6 बेसिस के लिए आज पिज़्ज़ा सॉस रेडी करना है, जिसके लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज लगभग 250 ग्राम लिए हैं। चलिए, अब हमने पैन गरम कर लिया है और इसमें मैं ये ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल में आप ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल ना लें, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ऑयल को थोड़ा गरम होने देंगे, फ्लेम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब हम इसमें चॉप्ड अनियन डाल देंगे। अनियन आपको स्मॉल साइज का ही लेना है। अब हम अनियन को इसमें 2-3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ब्राउन नहीं करना है हमें, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से हिलाते हुए, स्टिर करते हुए सॉटे करना है। साथ में हम इसमें गार्लिक क्लोव्स जो हमने लिए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। बस इस तरह से 2-3 मिनट के लिए हम इसको पैन में रखेंगे।
अब हम इसमें कट किए हुए टमाटोज ऐड करेंगे। मैंने टमाटो पीसेस को बड़ी साइज का ही रखा है क्योंकि इसी में पक जाएंगे, टमाटो बहुत जल्दी गल जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, कश्मीरी मिर्च और इनको हम लो फ्लेम पे पहले तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इनको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ और लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे, फिर हम बीच में चेक करेंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, टमाटर पकना शुरू हो गए हैं। हम इनको थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जाएंगे। इनका छिलका चाहे तो आप हटा सकते हैं, इस तरह से टमाटर का छिलका इजीली इसमें अलग हो जाता है पकते पकते। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, पर मैं इसमें ही इसको रहने देती हूँ क्योंकि ग्राइंड करेंगे तो ये इजीली आराम से ग्राइंड हो जाएगा और कलर भी छिलके की वजह से और अच्छा आएगा। और ये बेजिल लीव्स जो मैंने ली थी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ये भी थोड़ा सा इसमें पक जाएगी, फ्लेवर आ जाएगा और इनका मॉइस्चर भी निकल जाएगा लीव्स का। 2 से 3 मिनट और हम इसको कुक करते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, टमाटर काफ़ी गल गया है पर थोड़ा सा अभी भी लग रहा है कि है थोड़ा सा कच्चा। इसको मैं 5 मिनट के लिए और कुक करती हूँ तो ये पूरी तरह से गल जाएगा, एटलीस्ट पक तो जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों को तो फिर इसको ग्राइंड करना ही है। अभी ये कच्चा है, अच्छे से दब भी नहीं रहा है, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए और कुक करती हूँ। 5 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा। चलिए अब हम चेक करते हैं, टमाटर सब अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो हमने शुगर लिया था वो ऐड कर देते हैं और ऑरिगेनो वो भी ऐड कर देते हैं हम इसमें। ऑरिगेनो हर्ब्स आपको इजीली किसी भी बेकरी शॉप पे मिल जाएगा, बेजिल लीव्स भी मिल जाती है पर बेजिल लीव तो मैंने फ्रेश ही डाली है। और 2 टेबलस्पून जो सॉस मैंने लिया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ ही मैं गैस की फ्लेम भी ऑफ कर रही हूँ, ऑफ कर दिया है मैंने गैस और सॉस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा रखेंगे, ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठंडा होने के बाद में मैंने इस पूरे मिक्सचर को एक जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। चेक करते हैं, थोड़ा सा और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि फाइन पेस्ट बन जाए। चलिए ग्राइंड हो गया है, चलिए हम देख लेते हैं स्पून की मदद से। बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो गया है और हमारा पिज्जा सॉस जिसे हम पिज्जा टॉपिंग्स भी कहते हैं वो रेडी है। तो ये देखिए हमारी पिज्जा टॉपिंग्स, पिज्जा सॉस रेडी है, बहुत ही डिलीशियस यमी। और जब आप इसको पिज्जा पे लगा करके पिज्जा बनाएंगे तो आपका स्वाद डबल हो जाएगा और ये मार्केट वाली पिज्जा टॉपिंग्स से भी बहुत अच्छी है, हाइजीनिक है सबसे पहले क्योंकि ये आपने बनाई है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा घर पे
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह से मैं डिलीशियस यमी रेसिपीज दे सकूँ। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। So, thanks for watching. Bye-bye.